लेकर एकता कपूर एंड उनकी मदर शोभा कपूर के अगेंस्ट इश्यू हो चुका है एक अरेस्ट वारंट। जी हाँ, ये वो ही केस है जिसके बारे में चर्चा 2020 में भी हुई थी जब वेब सीरीज ट्रिपल एक्स का सीजन 2 हुआ था आउट ऑन एकता एंड शोभा ओटीटी प्लेटफॉर्म ऑल्ट बालाजी। 2020 में अन्नपूर्णा पुलिस ने इंदौर के वल्मिक साकरागे के कहने पर एक FIR रजिस्टर की थी अगेंस्ट एकता, हर मदर शोभा एंड सीरीज डायरेक्टर अक्षय चौबे, जिस पर एकता ने अपनी सफाई में हाई कोर्ट में स्टेट किया था दैट शी डिड नॉट हैव एनी नॉलेज ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द एपिसोड्स, क्योंकि ना तो वो उस शो को डायरेक्ट कर रही थी और ना ही प्रोड्यूसर थी सीरीज की, और तो और उनका नेम तक एपिसोड के क्रेडिट्स में मेंशन नहीं किया गया था, जिस पर कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी उनकी ये आर्ग्यूमेंट और कहा था कि आप मैनेजिंग डायरेक्टर तो हैं प्लेटफॉर्म की तो आपको नॉलेज तो होगी ही, जिसके बाद एकता ने अपोलॉजी ली थी और साथ ही उस सीन को डिलीट भी कर दिया था। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जब एकता ने अपोलॉजी ले ही ली थी तो एक बार फिर उन्हें ड्रैग क्यों किया जा रहा है उसी केस में। चलिए अब देते हैं आपको प्रेजेंट डे की इन्फॉर्मेशन। दरअसल बेगूसराय के रेजिडेंट एंड एक्स सर्विसमैन शंभू कुमार ने एक बार फिर खोल दिया है इस केस को और जज विकास कुमार ने इशू कर दिए हैं अरेस्ट वारंट्स। शंभू कुमार के एडवोकेट ऋषिकेश पाठक ने एक न्यूज चैनल को इन्फॉर्म किया है कि जिस सर्टेन सीन से इशू था उसे तो डिलीट कर दिया गया है सीरीज से, लेकिन एकता एंड शोभा कपूर को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए कहा गया था जिसमें वो आने में हुए नासफल, जिसके कारण एकता एंड उनकी मदर शोभा के खिलाफ जारी कर दिया गया है अरेस्ट वारंट। वेल यस, एकता एंड शोभा का कोर्ट के सामने ना अपेयर होना ले आया है उन्हें इस नौबत तक कि इशू कर दिया गया है उनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट। खैर अब देखना ये होगा कि कब और कैसे होते हैं ये अरेस्ट वारंट्स डिसमिस और कैसे एकता फाइनली बाहर आ पाती है इस केस से जो चल रहा है 2020 से ही। टू नो मोर बॉलीवुड न्यूज़ की वॉचिंग गूगल बॉलीवुड।